हेलो एवरीवन। तो यार सबसे पहले नंबर पे जो एनआईटी आती है वो एनआईटी तिरुची है। अब जब भी एनआईटी तिरुची की बात की जाती है, तिरुचुपल्ली जिसको कहा जाता है, नंबर वन पे है। ये कुछ एनआईटी ऐसी है कि एनआरएफ में इसकी 8th रैंक है और ये फर्स्ट एनआईटी है और बहुत सारे आईआईटी इसके बीच में सफल हो जाती है। मतलब आई थिंक 8th नंबर पे है तो ऊपर के 7 आईआईटीज होंगे, 8th नंबर पे ये है। आप ये सोचो ये किसी आईआईटी से कम नहीं है और ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। हर एक बच्चा इस कॉलेज के बारे में जानता है, तो कहीं ना कहीं जब आईआईटी नहीं मिल पाता है तो एक हम अपने ड्रीम की तरफ मूव करते हैं कि भाई हमको एनआईटी तिरुची में सीएस मिल जाए। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसकी क्लोजिंग रैंक अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी बंद हो जाता है सीएस वगैरह में। अभी दिखाऊंगा कट ऑफ वगैरह जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन है सीएससी ब्रांच की कट ऑफ की बात करेंगे, होम स्टेट और अदर स्टेट की, है ना, होम स्टेट और अदर स्टेट की बात की जाएगी सीएस ब्रांच की। साथ ही साथ हम लोग अदर ब्रांचेस की भी बात करेंगे, उनका भी कंपेरिजन करेंगे। पूरी कंप्लीट सीट है, लास्ट सीट कितने तक अलॉटमेंट मिली हुई है। अगर हम एनआईटी तिरुची चाहते हैं, हम जेई जनवरी का एग्जाम दे रहे हैं या आगे हम अप्रैल वाला देंगे, तो दोनों में से हमारी कितनी रैंक होनी चाहिए। एटलीस्ट यार मैं तो बोलूँगा 5000 के अंदर वाले रैंक के बच्चे को थोड़ा सा एनआईटी तिरुची की तरफ सोचना चाहिए। अब जो मैंने डेटा सोर्सिंग लिया है जोसा का, तो राउंड 6 तक रहता ही रहता है। रिमेनिंग मैंने जो कंसीडर किया है यहाँ पर डेटा जो हम आपको दिखाएंगे, सी एस ए बी राउंड 1 काफ़ी सेफ साइड जोन, एक अच्छा डेटा रहता है। तो आ जाइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एन आई टी तिरुची की डेटा की बात करें, सी एस ब्रांच का बच्चा है, सी एस ब्रांच होम स्टेट का बच्चा था, मतलब 10+2 उसने तिरुची से किया हुआ था, ओपन कैटेगरी का था और यहाँ पे 4132, मतलब कोई एक सीट खाली रह गई होगी, है ना, होम स्टेट के लिए। अगर आप कहेंगे तो हम जोसा का भी डेटा दिखा देंगे। और ये अगर अदर स्टेट की आप बात करोगे तो अदर स्टेट में 1205 रैंक पे क्लोजिंग है। आप सोचो अदर स्टेट में 1205 पे। इसी ब्रांच की बात कर रहे थे, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच मानी जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जिसकी क्लोजिंग रैंक 4039 है, ठीक है। और सेम चीज इधर ईसी का है जिसमें क्लोजिंग 9252 है, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं डिफरेंस भी है ओपनिंग क्लोजिंग में, मतलब होम स्टेट अदर स्टेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं बात करूँगा सिर्फ उन स्टूडेंट की जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, बाकी का जो हम डेटा ब्रीफ करेंगे वो अदर स्टेट वालों का करेंगे। तो जो भी लोग होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो अपना डेटा को हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, हम उसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। और ये तो ईसी का था, ईसी के बाद में आपका ट्रिपल ई है 7307, ठीक है। और उसके बाद में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 11032, आईसीई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 14462, और केमिकल इंजीनियरिंग 15882, और सिविल इंजीनियरिंग 23230, और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग 25021, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इसकी कॉस्टिंग है, सॉरी इसकी ऑलमोस्ट जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है 28410। तो अगर हमको एनआईटी तिरुची में सीट चाहिए एक, तो हम अगर लोअर ब्रांच के साथ भी जाएंगे तो 28000 के अराउंड रैंक होनी चाहिए। इट्स मीन की परसेंटाइल में बात करें तो 97.75 लगभग इतना परसेंटाइल चाहिए होगा तब जाके हमारी, मतलब फिर भी अगर थोड़ा सा कम ले लें 97.5 ले लो बेटा, 97.5 के अप्रोक्स ये आपका रैंक आ जाएगा, आप एनआईटी तिरुची के अंदर चले आएंगे। कॉलेज बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। बस इतना है नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस है। जो नॉर्थ से बिलोंग करते हैं वो एनआईटी नागपुर या एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी जयपुर या एनआईटी कुरुक्षेत्र, इन सब ये ड्रीम्ड होते हैं, है ना, डीम्ड पूरा ड्रीम रहता है कि इनमें जाना है, ये सिलेक्टिव हैं। और उसके बाद अदरवाइज आपका तिरुची हो गया, उसके बाद सूरतकल है, वरंगल है, कलिकट है, राउरकेला है, इस पर भी आपको आगे वीडियोस मिलेंगी इस तरह से कट ऑफ के साथ में। तो वीडियो आज की यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। और जेई वाले रुके रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट करके बताएं कि और कौन सी वीडियो चाहिए। बाय बाय।